हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे फैक्टरिंग एंड फोरफेटिंग सर्विसेज। ये यूनिट 7 है पेपर फर्स्ट की और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर से 4 से 5 मिनिमम मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। फैक्टरिंग और फोरफेटिंग सर्विसेज समझने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें बिल ऑफ एक्सचेंज आना चाहिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। ओके लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। कोई भी मार्केट होती है तो उस मार्केट में क्या होता है, प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं और प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। ठीक है, जो उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं बायर या फिर क्या कहते हैं, परचेजर कहते हैं। ठीक है ना, और जो उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उस प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सेलर्स बोलते हैं। यही होता है ना, तो बायर्स और सेलर से ही कोई जो होता है मार्केट जो होता है तैयार होता है। वही कोई मार्केट अगर बनता है तो बायर्स और सेलर से ही बनता है। ठीक है, चलो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम बायर को ए नाम दे देते हैं और सेलर को बी नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये जो बायर ए है ये सेलर बी का रेगुलर कस्टमर है, जस्ट सपोज दैट, या फिर बायर ए जो है ये सेलर बी को जानता है और सेलर बी बायर ए को जानता है। तो जो बायर ए है इसको सपोज दैट 10 लाख के प्रोडक्ट की जरूरत है, 10 लाख के गुड्स की इसको जरूरत है। ठीक है, तो ये सेलर के पास जाता है और सेलर से कहता है कि मुझे सामान की जरूरत है बट मेरे पास अब इस समय पैसे नहीं है, मेरे पास जो पैसे हैं वो 3 महीने बाद, मेरा एक जगह पेमेंट जो है वो फंसा हुआ है, वो 3 महीने बाद मेरे पास आ जाएगा तो मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। ठीक है, बट सेलर बी जो है वो ए को तो जानता है बट वो उससे एक प्रॉमिस चाहता है, वो कहता है ठीक है मैं आपको पैसे तो उधार दे देता हूँ लेकिन उसके बदले में मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए। ठीक है, मुझे उसके बदले में आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि वो जो पैसा है आप मुझे इस डेट, जो आप मुझे 2 महीने की डेट दे रहे हो उस डेट पे इतना पैसा आप मुझे दे दोगे। ठीक है, तो कहता है ठीक है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। ठीक है, तो बायर कहता है ठीक है मैं आपको प्रॉमिस देने के लिए तैयार हूँ बट इसके लिए मुझे क्या करना होगा, है ना। तो सेलर कहता है कि मैं आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज राइट कर रहा हूँ, मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, आपको उस पे क्या करने होंगे, अपने साइन करने होंगे। ठीक है, उसी पेपर को हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन ऑर्डर होता है जो उस पर्सन के लिए होता है जिसको पैसे देने होते हैं फ्यूचर में। ठीक है, वो उस पर्सन के लिए होता है जिसको फ्यूचर में पैसे देने होते हैं, किसको देने होते हैं, कितने डेट देने होते हैं, किस डेट को देने होते हैं, ये सब उस बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, मेंशन होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ये सैंपल फॉर्मेट है बिल ऑफ एक्सचेंज का। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है ये मतलब प्राइमरीली बोला जाए या मोस्टली बोला जाए ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज होता है, डोमेस्टिक ट्रेड के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज का इतना यूज नहीं होता है। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या चीजें मेंशन होती है, जैसे कि जो बायर है, जो परचेजर था, उसने 2 लाख रुपए का जो है वो गुड्स लिया था सेलर से, तो उसमें वो अमाउंट मेंशन होता है कि कितना अमाउंट जो है वो उसको देना है। ठीक है, वो टाइम पीरियड मेंशन होता है कि कितने टाइम बाद देगा वो जो बायर है, वो कितने टाइम बाद उसको पैसा लौट लौट के देगा। पे मिस्टर एबीसी, एबीसी कौन है, एबीसी कोई भी हो सकता है, कोई भी मतलब जो सेलर चाहता है। सपोज दैट कि ये हमारा सेलर है, ठीक है, और सेलर ने यहाँ पे बायर को पैसे दिए थे, जो बायर ने, जिस बायर के लिए सेलर ने लिखा था बिल ऑफ एक्सचेंज, बट सेलर ने खुद उधार लिया था एबीसी कोई फर्म है या फिर एबीसी कोई पर्सन है उससे। ठीक है, सपोज दैट एबीसी फर्म से 2 लाख रुपए सेलर ने लिए थे, अब सेलर चाहता है कि बायर उसको पैसे ना दे के इस एबीसी को पैसे दे दे, तो उसमें उस पे का नाम मेंशन होता है। तो जैसे लिखा है कि 60 डेज आफ्टर द डेट पे मिस्टर एबीसी, तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फाइन, तो अ सम ऑफ 2 लाख फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इसमें क्या होगा, डॉलर के साइन होंगे। डॉलर कौन होता है, डॉलर यहाँ पे क्या है, सेलर। ठीक है, यहाँ पे उस सेलर के साइन होंगे। ठीक है, और जब तक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो लीगल नहीं होता, जब तक उस पे जो ड्रॉई है या फिर जो एक्सेप्ट कर रहा है कि जो बायर है उसके जब तक साइन नहीं होंगे तब तक बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज तभी माना जाता है जब जो आपका बायर या परचेजर होता है उसको एक्सेप्ट करता है बाई सिग्नेचर। ओके, तो जब जैसे ही जो बायर या परचेजर सिग्नेचर उस पे कर देता है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो लीगल हो जाता है। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज की प्रॉपर्टीज क्या है कि बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा हमेशा राइटिंग में होता है, राइटिंग ऑर्डर होता है ये। ठीक है,
अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे होता है। अनकंडीशनल मतलब कि कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है ना, मतलब इस डेट के बाद कोई कंडीशन लागू नहीं होगी कि आप बोल रहे मेरे पास पैसे अभी भी नहीं है ना, तो ये अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे है। ठीक है, तो ये इस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। अब हम समझते हैं व्हाट इज फैक्टरिंग, फैक्टरिंग क्या होती है। सो फैक्टरिंग क्या होती है, फैक्टरिंग एक सर्विस होती है। फैक्टरिंग क्या होती है, एक सर्विस होती है जिसमें जैसे अपने बिल ऑफ एक्सचेंज में देखा कि जो सेलर और बायर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, अब एग्रीमेंट तो हो गया, बायर ने सेलर से कहा कि जो मैं जो पैसा है वो आपको 2 मंथ्स या फिर मैं आपको जो जितना भी पैसा है आपका आप 2 मंथ्स बाद ले लेना या फिर कहें तो 60 डेज बाद आप ले लेना। तो सेलर ने बिल ऑफ एक्सचेंज में ये चीज राइट कर दी और बिल ऑफ एक्सचेंज को बायर ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, हमारा लीगल हो गया। ठीक है, अब ये चीज तो हो गई, लेकिन अब जो भी 2 लाख रुपए का जो पेमेंट था, ठीक है, तो ये तो इसको 2 महीने बाद मिलता है इस सेलर को, या फिर हम सेलर बोले या फिर कंपनी बोले। अगर हम डायग्राम पे आते हैं तो किसी कंपनी ने किसी पर्सन को, ठीक है, या किसी कंपनी ने किसी पर्सन को लोन दिया 2 लाख रुपए का। ठीक है, तो जिसको दिया वो क्या बन गया, डेटर बन गया, और ये हमारी क्या है, कंपनी है। ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे जो है पैसा दिया इसको। अब पैसा तो उधार पे दे दिया, 2 लाख रुपए दे दिया। ठीक है, सडनली क्या हुआ कि इस कंपनी को खुद पैसे की जरूरत पड़ गई, या फिर ये कंपनी चाहती है कि इसके पास जो कैपिटल है या फिर जो इसके पास फंडिंग है वो कम है। ठीक है, तो वो चाहती है कि जो भी इसके पास 2 लाख रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज रखा हुआ था, साइन किया हुआ फ्रॉम बायर, ओके, उसका पेमेंट हो जाए। ठीक है, वो भी जो भी 2 लाख रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज है या फिर क्या इनवॉइस है या फिर क्या रिसीवेबल्स है, इनको अकाउंट रिसीवेबल्स भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका पेमेंट हो जाए तो इसके पेमेंट के लिए क्या बनाए गए, फैक्टर्स बनाए गए। ओके, ये जो इसको जो जो भी इसको पेमेंट प्रोवाइड करेंगे वो क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, फैक्टर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर एक इंटरमीडिएट एजेंट है जो उस इनवॉइस को फाइनेंस करते हैं। ठीक है, जो भी इनवॉइस है, जो भी अकाउंट रिसीवेबल्स है उनको फाइनेंस करते हैं, उनको बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर एक तरह का क्या होता है, फंडिंग सोर्स होता है। देखो जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको प्लीज राइट डाउन करते चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर एक तरह का क्या होता है, फंडिंग सोर्स होता है जो सेलर की इनवॉइस अमाउंट में से अपना कमीशन काट के, मतलब जैसे मान लो कि ये 2 लाख रुपए का था तो 2 लाख रुपए में जो भी कमीशन होता है वो कमीशन काट के पेमेंट कर देता है। ठीक है, इसका एक फीचर ये होता है कि ये जो होता है 24 घंटे के अंदर होता है। ठीक है, सेकंड इसका फीचर होता है कि अप टू 80% तक आपको जो है पेमेंट दे देता है फैक्टर। ठीक है, अच्छा बाकी का 20% का क्या होता है, बाकी का 20% जब फैक्टर जो है बायर से पैसे वसूल लेता है तो रेस्ट 20% जो पेमेंट है वो भी रिलीज कर देता है फॉर सेलर्स। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये क्या अपना, बट अब इसमें फायदा कैसे होगा फैक्टर का, फैक्टर क्या करता है, फैक्टर अपना कमीशन काट के इसको अप टू 80% तक जो है पैसा दे देता है उस इनवॉइस के अगेंस्ट या उस बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो मैक्सिमम डेट पीरियड माना जाता है फैक्टरिंग सर्विसेज के अंडर में, ठीक है, वो मैक्सिमम जो डेट पीरियड होता है वो 150 डेज होता है, जिसमें 60 डेज का ग्रेस पीरियड भी इंक्लूड होता है। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम डेट पीरियड जो होता है फैक्टरिंग सर्विसेज में वो कितना है, 150 डेज है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, अब आई थिंक ये चीज हमें आगे होगी कि जैसे सपोज दैट कि कोई कंपनी है वो किसी डेटर या फिर किसी पर्सन को, पर्सन ऑब्वियसली डेटर बन जाएगा अगर वो पैसे देगा उधार पे, तो उस कंपनी कंपनी जो है वो किसी डेटर को सामान जो है वो क्रेडिट पे देती है। अब मान लो कि कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ जाती है या फिर कंपनी चाहती है कि जो भी उसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, अकाउंट रिसीवेबल्स या फिर इनवॉइस है उसकी, उसका पेमेंट उसको मिल जाए। ठीक है, तो वो किसके पास जाती है, फैक्टर के पास जाती है। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स थर्ड पार्टी होते हैं। तो फैक्टर्स थर्ड पार्टी होते हैं, थर्ड पार्टी क्या करता है, अपना कमीशन रख के पैसा दे देता है ना। तो फैक्टर पर इनिशियल में क्या होता है, अप टू 80% तक जो है फाइनेंस करता है फैक्टर, मतलब उस जो भी बिल दिया गया है उसमें अप टू 80% तक फाइनेंस करता है, बाकी 20% जब करेगा जब उसको डेटर से पैसा वो मिल जाएगा। ठीक है, उस बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट उसको वो पैसा डेटर से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग। सो फैक्टरिंग जो है ये 2 तरह की होती है,
एक होती है रिकोर्स फैक्टरिंग, एक होती है विदाउट रिकोर्स। अब ये क्या होता है, देखो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कोई कंपनी है, या फिर कंपनी बोले या फिर हम क्या बोले सेलर बोल दें, ठीक है, और ये यहाँ पे हमारे क्या है बायर है, ओके बायर बोले या फिर डेटर बोले, ठीक है, और ये है हमारा फैक्टर। फैक्टर क्या है, एक थर्ड पार्टी या फिर क्या है एक इंटरमीडिएट एजेंट, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कंपनी ने राइट किया था इसके लिए, और फिर बिल ऑफ एक्सचेंज जो राइट करा, तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो राइट करा वो इस कंपनी के पास है, और वो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके फैक्टर के पास जाता है कि मतलब जो भी मेरे पास इनवॉइस है उसके अगेंस्ट में मुझे पेमेंट दे दीजिए, आप इस बायर से वसूल लेना पैसे, मुझे इस समय पैसे की जरूरत है तो मुझे पैसे दे दीजिए, ठीक है। अब सपोज दैट कि बिल फैक्टर ने तो जो है वो पेमेंट कर दिया, ठीक है, बट ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो ले बिल ऑफ एक्सचेंज जो इसने दिया था फैक्टर को, और फिर जो इसको बायर से वसूलना था बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बाई चांस क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, ठीक है, ये डिसऑनर हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। जब ये डिसऑनर बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया तो अब इस केस में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी हो गई, सेलर की। तो जब भी जिस फैक्टरिंग में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, सेलर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है किसी भी बिल के डिसऑनर की, उसको हम बोलते हैं विद रिकोर्स फैक्टरिंग, ठीक है, जिसमें सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कुछ भी डिसऑनर होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर हो जाता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन जाए, वो उस सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाए, तो उसको वहां पे हम जो फैक्टरिंग बोलते हैं वो होती है विद रिकोर्स फैक्टरिंग, ठीक है। अच्छा, विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग क्या होती है, देखो बहुत ही ऑब्वियस है, जब हमें पता चल गया कि विद रिकोर्स फैक्टरिंग क्या है, तो विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग क्या होती है, तो विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग वो फैक्टरिंग होती है जिसमें फैक्टर सेलर से कुछ नहीं कहता, फैक्टर सेलर से कुछ नहीं कहता, ठीक है, खुद ही सारी लीगल प्रोसीडिंग करता है अगेंस्ट बायर, बायर के अगेंस्ट खुद ही सारी लीगल प्रोसीडिंग्स करता है फैक्टर। मतलब विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग क्या होती है, जिसमें जो फैक्टर होता है वो क्रेडिट और फाइनेंस, या कहें फाइनेंस और क्रेडिट दोनों तरह के प्रोडक्शन जो होता है वो प्रोवाइड करता है किसी सेलर को, ठीक है, तो वो बोलते हैं विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग की, तो दो तरह की फैक्टरिंग होती है, एक विद रिकोर्स एक होती है विदाउट रिकोर्स, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स ये दोनों किस में आती है, फैक्टरिंग में आती है, फैक्टरिंग सर्विसेज में आती है। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं कि विद रिकोर्स फैक्टरिंग क्या होती है, जिसमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन जाए, सेलर की बन जाए, उस कंपनी की बन जाए जो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को फैक्टर के पास लेके गई थी। फैक्टर कहेगा आपने क्या देख के बिल ऑफ एक्सचेंज लिया था, उस आपको कितना भरोसा था उस बायर पे, है ना। तो वो जब भी होता है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर के ऊपर आ जाती है, उसको बोलते हैं विद रिकोर्स फैक्टरिंग, और जिसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर खुद अपने ऊपर ले लेता है फाइनेंस की और क्रेडिट प्रोटेक्शन की, उसको बोलते हैं विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग, ओके ओके। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ फैक्टरिंग। फैक्टरिंग के एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले जो आता है वो आता है कैश फ्लो से रिलेटेड, कि इमीडिएट कैश फ्लो, मतलब इधर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज या फैक्टर को, फैक्टर ने आपको इमीडिएट क्या है विद इन 24 आवर्स क्या है आपको पेमेंट प्रोवाइड कर दी, ठीक है, यानी आपके पास क्या आ गया, पैसा आ गया, कैश फ्लो आ गया, ठीक है। तो इमीडिएट कैश फ्लो जो है इसका फर्स्ट एडवांटेजेस है। सेकेंड एडवांटेज क्या होगा, अब मान लो कि कोई कंपनी है, उसका पैसा फंसा हुआ था, उसको तो पैसा मिल गया, ठीक है, जब उसको पैसा मिल गया तो उस पैसे से क्या है, उस पैसे से उसकी जो ऑपरेटिंग साइकिल है, जो उसकी बिजनेस साइकिल है, वो क्या है, वो फास्ट होगी, वो और प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, उसकी और सेल होगी, है ना। तो ऑपरेटिंग साइकिल पे भी फर्क हो गया, बिजनेस ऑपरेशन पे फर्क पड़ गया, ठीक है, बिजनेस ऑपरेशन और अच्छा हो गया, ठीक है। थर्ड क्या हो गया, थर्ड ये हो गया, हो सकता है वो पैसा उसको ना मिलता, हो सकता है वो पैसा बहुत टाइम बाद मिलता, ठीक है, तो एक तरह से क्या वो डेट में आ जाता, वो बैड डेट में आ जाता, है ना, तो बैड डेट को भी अवॉइड कर दिया फैक्टरिंग ने। फोर्थ क्या है, फोर्थ ये है कि स्पीडी प्रोसेस। स्पीडी प्रोसेस मतलब विद इन 24 आवर्स में आपने जो भी उसको इनवॉइस दिया था, फैक्टर ने उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो ये स्पीडी प्रोसेस है। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टरिंग के आपके एडवांटेजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, फाइन। फैक्टरिंग में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इंटरनेशनल फैक्टरिंग। तो इंटरनेशनल फैक्टरिंग क्या होती है, इंटरनेशनल फैक्टरिंग जब हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक फैक्टरिंग की, तो वहां पे हमने बोला था कि बायर होता है और क्या होता है, सेलर होता है। बट अगर हम इंटरनेशनल फैक्टरिंग की बात कर रहे हैं, यानी हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होते हैं, हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में हमारे एक्सपोर्टर होते हैं और क्या होते हैं, इंपोर्टर होते हैं।
तो यही सेलर और परचेज, जैसे यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रेडिंग हम बात करते हैं सेलर बायर की, इंटरनेशनल फैक्टरिंग हम बात करते हैं एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हम फैक्टरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे दो फैक्टर होते हैं, एक होता है एक्सपोर्टर के लिए, यहाँ पे बोलते हैं एक्सपोर्ट फैक्टर, ठीक है, और इम्पोर्टर के लिए क्या होता है इम्पोर्ट फैक्टर। ये देखो ऑब्वियस है, अगर हम बात कर रहे हैं फैक्टरिंग की, जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो डोमेस्टिक फैक्टरिंग में भाई ये बायर और सेलर जो थे ये दोनों ही इंडिया के थे, दोनों इंडिया के थे, मतलब हमें यहाँ पे जो है वो एक ही फैक्टर की नीड होती है। बट जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल फैक्टरिंग, इंटरनेशनल ट्रेड की, तो वहाँ पे एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर दोनों इंक्लूड होते हैं, तो एक्सपोर्टर के लिए एक्सपोर्ट फैक्टर और इम्पोर्टर के लिए इम्पोर्ट फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस होता है कि जो इम्पोर्टर होता है, मतलब सपोज दैट कि कोई यूएसए का पर्सन है, वो इंडिया की किसी कंपनी से क्या लेता है, गुड्स है, गुड की सप्लाई करवाता है, तो ये कंपनी गुड्स की सप्लाई कर देती है यूएसए में, ठीक है, ये है इंडिया, ओके। अब गुड्स की सप्लाई तो होगी, ठीक है, बदले में क्या किया, बदले में इसने बिल ऑफ एक्सचेंज जो था राइट करा, और यूएसए के पर्सन से जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है साइन भी हो गया। अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये कंपनी किसके पास लेके जाती है, अपने एक्सपोर्ट फैक्टर के पास लेके जाती है। एक्सपोर्ट फैक्टर क्या करता है, उसको अप टू 80% जो था वो अप टू 80% तक उसको जो है वो है पेमेंट कर देता है। अब उस डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट फैक्टर किसको दे देता है, इम्पोर्ट फैक्टर को दे देता है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर जो होते हैं आपस में लिंक होते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सपोर्ट फैक्टर है ये इम्पोर्ट फैक्टर को वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो था वो राइट दे देता है इम्पोर्ट फैक्टर को, इम्पोर्ट फैक्टर के पास बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाता है, तो जब भी वो ड्यू डेट आती है, जब भी वो ड्यू डेट आती है, जब वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट करना होता है, तो ये जो पर्सन है जो यूएसए में रहता है ये इस इम्पोर्ट फैक्टर को वो बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट में पेमेंट कर देता है, ठीक है। तो जो भी बचा हुआ पैसा था, ठीक है, वो जो बचा हुआ पैसा था, मतलब इम्पोर्ट फैक्टर जो है वो तो पैसा एक्सपोर्ट फैक्टर को पूरा दे देते हैं, बाकी जो 20% जो बचा था जो एक्सपोर्ट फैक्टर को एक्सपोर्टर को देना था वो वापस बाद में उसको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से इस पूरे प्रोसेस में जो है एक्सपोर्ट फैक्टर क्या है, कमीशन भी कट करता है, ठीक है। तो ये होती है इंटरनेशनल फैक्टरिंग। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है कि इंटरनेशनल फैक्टरिंग में कितने फैक्टर्स होते हैं, तो इंटरनेशनल फैक्टरिंग में दो फैक्टर्स होते हैं। कितनी पार्टीज होती हैं, चार पार्टीज होती हैं, एक्सपोर्टर इम्पोर्टर, एक्सपोर्ट फैक्टर इम्पोर्ट फैक्टर, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज फॉरफेइटिंग सर्विसेज, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि हमें इसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट ऑफ फॉरफेइटिंग सर्विसेज को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने पूरा एफर्ट करा है कि आपको फैक्टरिंग और फॉरफेइटिंग सर्विसेज जो है वो सब में आ जाए। फैक्टरिंग सर्विसेज हमने इस लेक्चर में कवर करी है, हम पार्ट टू में फॉरफेइटिंग सर्विसेज एंड लेटर ऑफ क्रेडिट भी कवर करेंगे, ओके। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, ओके। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।